हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका एक और रिपीट जकट के नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखेंगे किसी भी सैंपल को हम क्रॉप किस तरह से करते हैं, उसके बाद हम उसकी साइजिंग करेंगे और उसके बाद हम उसे एडिट भी करेंगे। तो चलिए क्रॉपिंग करने के लिए चलते हैं सीधे फोटोशॉप में। तो फोटोशॉप में आने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास ये फाइल है जिसकी हम आज क्रॉपिंग, साइजिंग और एडिटिंग करने वाले हैं। तो क्रॉप करने के लिए क्या करेंगे, क्रॉप टूल पर जाएंगे, इस टूल को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हमने इसका सेंटर लिया तो यहाँ पर भी हमने इसका सेंटर लिया, इसी तरीके से हम नीचे भी इसके सेंटर्स लेंगे। तो आप देख सकते हो हमने पॉइंट सिलेक्ट कर लिए है रिपीट के और एंटर प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हो हमारा रिपीट क्रॉप हो चुका है, लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत हो रही है। यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ पार्ट जो है हमारा, तो इसे हमें नीचे लेना है। तो इसे नीचे लेने के लिए हम क्या करेंगे, फिल्टर में जाएंगे, अदर्स में ऑफसेट पर क्लिक करें। यहाँ पर हम वर्टिकल पर कुछ वैल्यू प्रेस करेंगे जिससे कि ये पूरा फिगर हमारा दिखने लगे। तो हमने इसे ऑफसेट मार्कर सही कर लिया है। अब इसकी हम साइजिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम इसकी साइजिंग सेट करेंगे। साइजिंग सेट करने के लिए हमने सबसे पहले तो इसकी इमेज साइज देखनी होगी। इमेज साइज देखने के लिए हम इमेज में चले जाएंगे। यहाँ पर हम इमेज साइज, इसे हम शॉर्टकट से भी ओपन कर सकते हैं, अल्टर कंट्रोल आई। अब हम का कैलकुलेशन करेंगे। तो कैलकुलेशन के लिए हमें कुछ नंबर्स की जरूरत होती है, तो हमें इन चीजों की जरूरत पड़ेगी साइजिंग के लिए। सबसे पहले तो जिसमें पहला है हमारा हुक जो हमने एग्जाम्पल के लिए लिया है 600, फिर आएगा हमारा रीड जो हमने लिया है 96, और फिर आएगा हमारा पिक जो हमने लिया है 48। ये हुक, रीड और पिक आपको जो भी चाहिए वो आपको मशीन के हिसाब से मिलेगा। ये सारे नंबर्स आपको ऑनर बताएंगे जो भी आपको डिजाइन प्रोवाइड करेंगे। तो इसी को हम यूज करके यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले तो 600 हुक की मशीन में हमारा कितना मीटर कपड़ा बनेगा उसके लिए हम देखेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे 600 डिवाइड 96 इक्वल टू, एक बार में ये 6.25 मीटर कपड़ा बनाएगी। तो 6.25 को हम इससे डिवाइड करेंगे, तो 6.25 भाग गया 2.875 इक्वल टू। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वैल्यू आई है 2.173। तो हमें इसे दो लेना है। ये जो दो रिपीट है आपके कुछ इस तरीके से बनेंगे, पहला रहेगा ये और दूसरा रहेगा ये। अगर यहाँ पर 2.73673 ऐसे अगर होता तो हम इसे तीन रिपीट में बनाते, जैसे कि ये सैंपल है 1, 2 और 3, इस तरीके से बन ऐसे वाले दो रिपीट सेट करने हैं। तो ये इस तरीके के दो रिपीट सेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो मीटर कपड़ा बन रहा था जैसे कि 600 डिवाइड बाय 6 करने पे हमारा 6.25 कपड़ा बन रहा था, तो अब हम क्या करेंगे 6.25 को डिवाइड करेंगे 2 से। तो 6.25 डिवाइड बाय 2, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 3.125 आया है। तो हम इसे क्या करेंगे, यहाँ पर जो इमेज साइज का हमारा विथ है यहाँ पर ऑन करेंगे, जैसे कि अगर ये ऑफ है तो इसे ऑन करेंगे और 3.125 लिखेंगे। लिखने के बाद हम क्या करेंगे, 3.125 इंटू करेंगे रीड के साथ यानी 96, 3.125 इंटू 96 300, आप देख सकते हो यहाँ पर 300। तो आपको क्या करना है, जो पहली बार हमने यहाँ पर ऑन किया था उसे हम अब ऑफ कर देंगे और यहाँ पर हम पिक्सल पे जाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे 300। ये जो हाइट है इसका सीधा सीधा कैलकुलेशन रहेगा, आपको यहाँ पर इंच कर देना है 5.505 इंटू, अब आपको यहाँ पर पिक के साथ इसको इंटू करना है, तो 48। तो आप देख सकते हो 264 हमारी ये वैल्यू आई है। अब इसको हमें व्यू के साथ डिवाइड करना है, आपको ध्यान रखना है व्यू के साथ हमें इसे डिवाइड करना है। तो व्यू के साथ हम डिवाइड कैसे करेंगे, जैसे कि हमने व्यूज बनाई थी उसमें हमने 4 की व्यू बनाई थी, 5 की व्यू बनाई, 6 की व्यू बनाई, इस हिसाब से इसे हमें डिवाइड करना है। तो 264 डिवाइड 264 डिवाइड 5, आप देख सकते हैं यहाँ पर वैल्यू पॉइंट में आ रही है, तो ये हिसाब नहीं चल सकता। तो वापस हम करेंगे 2264 डिवाइड 4, तो आप देख सकते हैं ये वैल्यू बैठ चुकी है हमारी 66 में। फिर से हम एक बार ट्राई करेंगे 264 डिवाइड 6, तो आप ये भी बैठ गई है 264 डिवाइड 8, तो आप देख सकते हैं ये भी पॉइंट में नहीं आ रही है। तो हम क्या करेंगे, ये 264 को यहाँ पर पेस्ट करेंगे पिक्सल में 264, और हमारी साइजिंग सेट हो चुकी है। इसे हम सेव करके अब हम इसकी एडिटिंग करेंगे, तो इसे हम सेव कर लेते हैं। BMP आपको ध्यान रखना है, इसे BMP में ही सेव करना है, डेस्कटॉप पे हमारा ऑलरेडी सेव है, इसी पे हम ओवरराइट कर देंगे इसे।
तो अब आपका फोटोशॉप का यहाँ तक का काम हो चुका है, अब आपको टेक्सेल की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम सीधे चलते हैं टेक्सेल में। तो आ चुके हैं हम सीधे टेक्सेल में। तो टेक्सेल में आने के बाद हम क्या करेंगे, फाइल पे जाएंगे, यहाँ पर ओपन पर क्लिक करेंगे। हमने आपको पता है डेस्कटॉप पर सेव की है, तो हम जेकार्ड में जाएंगे, यहाँ से इसे ओपन कर लेंगे। इसे ओपन करने के बाद हम क्या करेंगे, इसे रिड्यूस कर लेंगे। तो रिड्यूस के लिए हम कलर्स में जाएंगे, रिड्यूस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर 200 लिख देंगे। आप 50-100 कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। मैं 200 लिख रहा हूँ क्योंकि इसके कलर जो है, अगर मैं 200 से कम ले रहा हूँ तो ये बैकग्राउंड जो है इसका चेंज हो जा रहा है, इसीलिए मैं 200 ले रहा हूँ। और इसे ओके प्रेस कर देता हूँ। ये होने के बाद हम इसकी साइज़ पेस्ट करेंगे, जैसे कि हम हमारी रीड और पिक इसकी साइजिंग में ऐड करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिज़ाइन में जाएंगे, रिसाइज पर जाएंगे। यहाँ पर 96 जो हमारी रीड थी, आपको मालूम है 96 है। और उसके बाद हम यहाँ पर पिक लिखेंगे हमारी 48 और ओके कर देंगे, अप्लाई ओके। ये साइज़ पेस्ट करने के बाद आपको क्या करना है, इस ऑप्शन को क्लिक करना है। तो आप देख सकते हो आपकी डिज़ाइन जिस तरह से वहाँ पर दिख रही थी एक्चुअल डिज़ाइन में, वैसे ही यहाँ पर भी आपको दिख रही है। अब हम इसे बनाना स्टार्ट करेंगे। तो बनाने के लिए हम सबसे पहले तो इसके कलर्स ले लेंगे, जैसे कि दो से तीन कलर्स हम बना लेंगे। तो हमने 200 में रिड्यूस किया था, तो 201 से हम इसे स्टार्ट करते हैं। इस पर क्लिक करेंगे राइट। राइट क्लिक करने के बाद हमें कलर ले लेना है, मैं इसका कलर रेड ले लेता हूँ। फिर दूसरे कलर को सिलेक्ट करता हूँ, अब देख सकते हैं यहाँ पर ब्लैक है तो मैं इसे ले लूँगा, अब ग्रीन ले लेता हूँ। और थर्ड कलर लेता हूँ मैं ब्लू, फोर्थ लेता हूँ मैं येल्लो, और इसे क्लोज कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो हमने यहाँ पर कलर सिलेक्ट कर लिया है। तो कलर शेड लेने के बाद तो इस फ्लावर को हमें सेंटर में लेना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डिजाइन में जाएंगे, हॉरिजॉन्टल पर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हो हम सेंटर में आ चुके हैं, अब हम इसे बनाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको सेंटर सिलेक्ट कर लेना है सही से। सेंटर सिलेक्ट करने के लिए मैं एक और कलर बना लेता हूँ यहाँ पर, जो हमारा पिंक रहेगा। और इस वाले टूल को लेता हूँ, ये आप देख सकते हैं, इस वाले टूल को मैंने लिया और यहाँ से यहाँ तक मैं एक लाइन परफेक्ट से खींचना है आपको। आप देख सकते हो मैंने बराबर खींची है यहाँ पर, और फिर इसे बनाना स्टार्ट कर देना है। तो बनाने के लिए ये जो हमने सेंटर से लाइन ली है, इसे हम लॉक कर देंगे ताकि इसके इस साइड बने जो भी, वो हम इजीली रिमूव कर सकें। तो हमें इस पार्ट को बनाना है, तो हम इस पार्ट को बनाते हैं जल्दी से। तो इसे बनाने के लिए हम इस टूल को यूज़ करेंगे। यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, स्प्लिंग थ्रू पॉइंट्स को सिलेक्ट करेंगे, इसका हम कलर चेंज कर लेंगे, रेड ले लेते हैं, और फिर इसे बनाना स्टार्ट कर देंगे। मैं इस वीडियो में आपको एडिटिंग थोड़ा फास्ट दिखाऊंगा। इससे पहले मैंने एडिटिंग पर ऑलरेडी वीडियो बनाई है, जो आपने नहीं देखी होगी तो ऊपर आई बटन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप ऊपर जाकर उसे देख सकते हो, जिसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में एडिटिंग को क्लियर किया है। इतना होने के बाद हम इसे पैच कर देंगे। इस टूल पर जाएंगे, अनप्रोटेक्टेड कलर, फिर हम इस बाहर वाले भाग को बनाएंगे। तो इसे बनाने के लिए हम कलर सिलेक्ट करते हैं, इसे लॉक ही रहने देंगे और यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। मैं एडिटिंग आपको बार बार इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस जो है वो सही से होते रहे। और हर एक डिज़ाइन बनाने का तरीका अलग होता है, उसके कुछ टेक्निक्स होती है, उसे भी मैं क्लियर करता जाऊँ, कोई दिक्कत ना हो। पास पास आपको क्लिक करनी है सारी। मैं ज़्यादा दूर कर रहा हूँ तो आप देख सकते हो शेप बराबर हो नहीं रहा है। मैं फटाफट से इसे कंप्लीट करके आपको दिखाता हूँ। इसी तरीके से आपको सारा एडिटिंग करना है। अब यहाँ पर हमें आउटलाइन देनी है ताकि ये जो भाग है, ये जो स्पेस मिला है बीच में, वो का प्रॉपरली एक शेप में आए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसे ब्लू कलर को सिलेक्ट करेंगे, इस वाले टूल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। इस वाले टूल को भी मैंने उस वीडियो में क्लियर किया है, आप ऊपर देख सकते हो जाकर। और फिर हम इस वाले भाग को बनाएंगे। मैं फटाफट से इसको बनाकर आपको दिखा देता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो आप देख सकते हो हमने इस डिज़ाइन को कंप्लीट कर लिया है। अब हमें इस वाली आउटलाइन को बनाना है। तो इसे बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसे ब्लैक कर लेंगे। यहाँ पर क्लिक करेंगे, इसमें जाएंगे ऑल कलर, यहाँ आप देख सकते हो ये ब्लैक है, इसे ऑन करते जाएंगे हम। तो अब आपको यहाँ पर जो भी ब्लैक पोर्शन दिख रहा है, छोटे छोटे डॉट्स जो आपको दिख रहे हैं या कुछ भी छूट चुका है, तो उसे हमें फिल कर देना है। तो इस टूल को सिलेक्ट करेंगे, अनप्रोटेक्टेड कलर्स को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर इस तरीके से हम फिल कर देंगे। इसे पेंसिल लेंगे, ये डॉट्स हटा देंगे यहाँ पिक्सल के। इस ब्लैक पोर्शन को फिल करने के बाद हम ये बाहर वाली आउटलाइन का पोर्शन भी हम इसे रिपेयर कर लेंगे। इसे सिलेक्ट करेंगे, इसे अनलॉक करेंगे, कुछ इस तरीके से हम इसे रिपेयर कर देंगे। आपको भी ऐसे ही रिपेयर करना है सब। मैं इसे फटाफट रिपेयर करके आपको दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हो हमने पूरा फ्लावर रेडी कर दिया है यहाँ से यहाँ तक। अब हम ये जो बाहर वाली आउटलाइन है उसे हम बनाएंगे। तो उसे बनाने के लिए हम फिर से इसे लॉक कर देंगे। सारे कलर्स को आपको लॉक रखना है, जितने भी आपने बनाए हैं।
फिर हम येलो सिलेक्ट करेंगे। इस आउटलाइन को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, इस जगह पर हम बढ़ाएंगे 4 कर देंगे और यहाँ पर हम 8 पेस्ट कर देंगे और ब्लू पर क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हो हमारी बाहर वाली आउटलाइन बन चुकी है। ये जो आपको कट्स दिख रहे हैं इसे आपको रिपेयर करना पड़ेगा एक एक करके, तो इसे हम रिपेयर करते हैं पेंसिल टूल के साथ। इसे हम लॉक कर देंगे पैच। इसी तरीके से हम यहाँ पर भी इसे भी रिपेयर करेंगे, फिर से पेंसिल में जाएंगे। इसी तरीके से आपको इसे कंप्लीट कर लेना है, मैं फटाफट इसे करके आपको दिखा देता हूँ। अब हम क्या करेंगे, इस ब्लू को हम रिमूव कर देंगे तो आपका फ्लावर जैसा था आपको वैसे ही दिखेगा। यहाँ पर जाएंगे, सिंगल कलर पे क्लिक करेंगे, ब्लैक को सिलेक्ट करेंगे 0 नंबर। तो आप देख सकते हो हमारा फ्लावर रेडी हो चुका है। अब हमें इन सब को सिलेक्ट करके यहाँ पर रख देना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन सारे कलर्स को लॉक कर लेंगे जितने भी हमने बनाए हैं। कंट्रोल ए करेंगे, डिजाइन में जाएंगे, हॉरिजॉन्टल, डिजाइन में वर्टिकल। तो आप देख सकते हो मैंने उसी तरीके से इसको पेस्ट कर दिया है। सिलेक्शन हटाने के लिए आप कंट्रोल ई प्रेस करोगे। तो हमें इस बैकग्राउंड को ब्लैक करना है, तो ब्लैक करने के लिए हम क्या करेंगे, इस टूल को सिलेक्ट करेंगे, इन सब कलर को यहाँ पर हम अनप्रोटेक्टेड कलर्स। आप देख सकते हो यहाँ पर हमने ब्लैक कलर सब जगह पर फिल कर दिया है। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। आने वाले वीडियो में हम इस फाइल को डेस्क फाइल में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम इस पर व्यू भी अप्लाई करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ।